हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी मैंगो शेक। तो चलिए मैं देख लेती हूँ क्या क्या लिया है। यहाँ मैंने ले लिया है आम, यहाँ एक आम ले लिया है मैंने। दही मैंने ले लिया है 50 ग्राम, दूध लिया है अप्रॉक्सीमेट 100 ml, और चीनी जो लिया है ये 30 ग्राम्स। ठीक है, अब मैं इसको सब जो मिक्सचर है, पहले मैं आम जो है इसको छील लूँगी और इसका क्यूब बना लूँगी, और फिर सारा कुछ हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे और उसके साथ मैं तब आइस क्यूब ऐड करूँगी। अब मैंने आइस क्यूब नहीं निकाला है, जब मैं ग्राइंड करूँगी उस टाइम मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब मैंने मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है और मैंगो जो है इसको मैंने छील के मैंगो पहले ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ऐड कर रही हूँ दही, दूध, चीनी और मैं ऐड कर रही हूँ आइस क्यूब। अच्छा, और एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं किया था कि इसमें थोड़ा नमक भी ऐड करना है। नमक एक्चुअली हम ऐड करते हैं लस्सी में ताकि जो मीठापन है, चीनी का जो टेस्ट है, उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो अभी आइस क्यूब भी मैंने डाल दिया है, अब चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए मैंगो शेक जो है रेडी है। अब मैं इसको ग्लास में पोर कर लेती हूँ। ये देखिए कितना थिक बना है। ये देखिए ये बहुत ही थिक बना है। अगर आपको इतना थिक पसंद नहीं है, आपको थोड़ा लिक्विड टाइप का रखना है, तो आप दूध ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा, दही कम ऐड कीजिएगा और दूध ज़्यादा ऐड कीजिएगा। मैं दूसरा एक ग्लास में भी पोर कर लेती हूँ। और जैसे आप देख पा रहे थे कि मैंगो जो है इसका थोड़ा, मतलब मैंने एकदम इसको स्मैश नहीं कर लिया है, थोड़ा थोड़ा अभी भी है ताकि मुंह में आएगा वो अच्छा टेस्ट करता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं पूरा भी पेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मुझे ऐसा ही पसंद है इसलिए। ये देखिए मैंने दोनों ग्लास में ऐसे सर्व कर लिया है मैंगो शेक। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है और गर्मी के मौसम में मैंगो जो है बहुत अच्छा लगता है ऐसा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।